यूक्रेन की सिचुएशन अभी भी वॉर, मतलब वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, वहाँ पे लोगों की जान को खतरा है, तो हम वहाँ पे अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरी कंट्री में ट्रांसफर। 1.5 साल से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हजारों लेटर लिखा जा चुका है, मेल लिख चुके हैं, मंत्री के घर पे जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमें आश्वासन या फिर जो है समाधान नहीं। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम या तो MBBS छोड़ते या फिर मरने के लिए वापस यूक्रेन जाए। इसीलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हमारी विनती सुने, हम हाथ जोड़कर सरकार से विनती कर रहे हैं। सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। इंडियन गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम ट्रांसफर लेकर किसी सेफ कंट्री में जाएं और अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू करें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। पिछले साल जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसमें हजारों छात्र फंस गए थे, मेडिकल के छात्र जिनको वापस तो ला लिया गया था, लेकिन अब उनके भविष्य का क्या होगा, अब वो कहाँ जाएं, उनकी जो पढ़ाई है वो वापस कैसे शुरू हो, क्या हो, उनके भविष्य को लेकर तमाम सवाल हैं। और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये तमाम जो छात्र हैं जो यूक्रेन से ला लिए गए थे, वो अब आके जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर। तमाम पोस्टर साथ में लिए हुए हैं, लाइफ इन यूक्रेन इज़ अनप्रिडिक्टेबल, अलाउ अस टू ट्रांसफ़र, ये ऐसे तमाम इनकी मांगें। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आई हैं? मैं कृतिका, मैं वाराणसी से आई हूँ, UP। हाँ, क्या कुछ मांगे, क्या कहना चाह रही हैं आप प्रदर्शन के थ्रू? मैं प्रदर्शन के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो पढ़ाई है 2 साल से ऑनलाइन हो रही है, हमें एक टाइम का रिलैक्सेशन दे, हमें दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र अलाउ कर दे ताकि हम अपनी ऑफलाइन पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, आपने अलाउ अस टू ट्रांसफ़र की, अगर यूक्रेन में अब ना जाके किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र मांगे। यूक्रेन की सिचुएशन अभी भी वॉर, मतलब वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, वहाँ पे लोगों की जान को खतरा है, तो हम वहाँ पे अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र चाहते हैं ताकि हम वहाँ सेफली, ताकि ऑफलाइन आपकी ऑफलाइन और हम सेफ रहें उस कंट्री में पढ़ाई कर सकते। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपके हाथ में एक जो ये है भारत सरकार, भारत का राजपत्र, क्या है ये बताएंगे? जो नियम हमें इस ट्रांसफ़र के लिए रोक रही है उसका ये जवाब है। जो नियम FMGL 2021 रेगुलेशन ये कहती है कि आप जहां से पढ़ रहे हो वहां पूरा कोर्स ख़त्म करो, कहीं और मत, कहीं और से आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वार जैसी कोई भी स्थिति आ जाती है, अगर कोई भी वहां वायलेंस हो जाता है और दूतावास के द्वारा केंद्र को अगर ऐसी सूचना दी जाती है, तो जो भी नियम है उसे साइड में रखकर हमें नियमों में छूट दी जा सकती है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हमें वन टाइम इस रूल से एग्जम्प्ट करे, FMGL 2021 रेगुलेशन से एग्जम्प्ट करे, ताकि हम किसी दूसरे सुरक्षित देश में जाकर ऑफलाइन क्लास कर सके और एक अच्छा डॉक्टर बन सके। ये भारत सरकार का ये नियम कहती है कि अगर वार जैसा स्थिति हो जाता है, ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति या किसी ऐसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें भारतीय नागरिक का जीवन संकट में है और ऐसी सूचना उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी गई है, तो परिषद विदेश में स्थित उस संस्थान से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी, जो कि हमें अभी नहीं मिल रही है। इसी का डिमांड कर रहे हैं कि सरकार हमें बस एक टाइम इस रूल से एग्जम्प्ट करे और हमें किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र की अनुमति दे। हम वहाँ सरकार से ज्ञापन या कुछ दिया, पत्र? सब कुछ, लगभग 1.5 साल से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हजारों लेटर लिखा जा चुका है, मेल लिख चुके हैं, मंत्री के घर पे जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमें आश्वासन या फिर जो है समाधान नहीं मिला है। क्यों समाधान क्यों नहीं दिया जा रहा आपको? अब ये सरकार ही मतलब समझे कि उनके मन में क्या है। हमें वहाँ से तो जान बचा के तो ले आए, लेकिन जो हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगर सरकार हमें इस तरीके की अनुमति नहीं देती है ट्रांसफ़र की, तो हमारा भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम या तो MBBS छोड़ते या फिर मरने के लिए वापस यूक्रेन जाए।
आपकी जो पढ़ाई है वो वहाँ से आने के बाद फिर भी चालू है कि बंद हो गई है? नहीं, हमारी क्लास ऑनलाइन जो है अभी चल रही है, लेकिन कब तक हम ऑनलाइन करेंगे? MBBS की क्लास हम ऑनलाइन करके खत्म नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है, इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि किसी सुरक्षित देश में हमें ट्रांसफ़र की अनुमति दे, जहाँ हम ऑफलाइन क्लास करें, सारे प्रैक्टिकल की जो नॉलेज है वो गेन करें हम। जी, तो इसके साथ मतलब सरकार ने आपको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कोई भी भरोसा दिया है कुछ कि हाँ हम आगे कदम लेंगे, आपके लिए कोई भी राहत का कुछ? जो नहीं, हमारी पहुंच तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है कि हम डायरेक्ट मंत्री से बात कर सके, लेकिन हम जो भी लेटर देते हैं या एप्लीकेशन देते हैं तो उसके थ्रू हमें जो रिप्लाई आती है वो बोलती है एज़ पर रूल तुम नहीं ले सकते हो ट्रांसफ़र। इसमें गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंटरवीन करेगी, तब जाके तुम्हें कुछ हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। क्या ये ऑनलाइन होने के बाद जो डिग्री मिलेगी वो आपके लिए कितना कारगर होगा? अगर ये आपकी मांग जो नहीं मानी जाती है उसके बाद जो डिग्री मिलेगी वो कितना कारगर होगा? ऑनलाइन डिग्री वैलिड नहीं होगा अगर हम ऑनलाइन पूरा कोर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सरकार के पास आए हैं। हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसीलिए सरकार के पास हम विनती कर रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट करने आए शांतिपूर्ण तरीके से कि सरकार हमारी विनती को सुने। पूरी तरह आपका भविष्य जो है वो अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके का गर्मजोशी सरकार ऑपरेशन गंगा के समय हम लोगों को के लिए दिखाई थी, वो अब जो है कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ। तो सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारा रिक्वेस्ट को सुने, हमें इस तरीके से वापस वार जोन में जाने को मजबूर ना करें। आपने हमें जान तो बचा लिया, बट हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिख रहा है। कृपया हमारी विनती सुने, हम हाथ जोड़कर सरकार से विनती कर रहे हैं कि वो हमारी बात को सुने और हमें बस एक बार के लिए इस रूल से छूट दे, ताकि हम किसी दूसरे देश में ऑफलाइन क्लास करें और एक अच्छा डॉक्टर बन सके। साफ तौर पर सरकार से जो बच्चों को भविष्य कहा जाता है, देश का भविष्य, वो भविष्य आज हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगा रहा है कि उन्हें ट्रांसफ़र दें। उनके जो भविष्य हैं उन्हीं वही भविष्य आज खतरे में है, और जब भविष्य, देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, उसका भविष्य खतरे में हो तो देश का भविष्य साफ तौर पर खतरे में जा सकता है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 2021 का रूल है, इसमें हमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है। 2014 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तब भी सरकार ने बच्चों को छूट दी थी, वो कहीं और ट्रांसफ़र ले सकते थे। लेकिन अभी ये सिर्फ जो 21 वाले बच्चे हैं इनके लिए रूल बचा है, और वॉर जोन में हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को वन टाइम रिलैक्सेशन दें, मतलब सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, और ना ही हम इंडिया में मांग रहे हैं, हम किसी और कंट्री में जाके ऑफलाइन स्टडी कर सकें सेफली और ऑफलाइन, क्योंकि अब से आगे को जितने भी कोर्सेज हैं वो सब ऑफलाइन ही पढ़ने होंगे हमको। तो सरकार को क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं देना चाह रही? इसका कोई कुछ तो रीज़न होगा ना, पता है आपको? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इतना कहना चाहूँगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई दबाव है कि नहीं हम किसी कंट्री का, कि नहीं हम इतने बच्चे नहीं लेंगे, या कुछ होगा ऐसा? मैम, ऐसा सरकार का अगर दबाव होगा तो मुझे, हम लोग के सामने ये चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, कभी सरकार ने बताया नहीं कि हाँ हमें प्रॉब्लम है आप लोगों से, ऐसा कुछ कभी कहा नहीं गया है, ठीक है। उन्होंने बस आश्वासन भी दिया था कि हाँ हम लोग देखेंगे, करेंगे। जब हम लोग वापस आए थे तो आप लोगों को न्यूज़ देखा भी होगा, मंत्री जी ने खुद कहा था कि यूक्रेन से जो भी बच्चे आएंगे उनका पढ़ाई, हम उनको डॉक्टर बनाना मेरा काम है। आपने न्यूज़ सुना भी होगा, उन्होंने सांसद में कहा था, पार्लियामेंट में कहा था मंत्री जी ने कि यूक्रेन से जो भी बच्चे आए हैं उनको डॉक्टर बनाना मेरा काम है, इस देश का काम है। तो बस हम लोग, यही नीड है हमारी एज। अब वो स्पीच भूल गए? हाँ, लग तो यही रहा है कि मैम वो जो उनकी कथनी है वो अपना कथन भूल चुके हैं, उन्होंने क्या कहा था और वो हम लोग साथ क्या कर रहे हैं। हम लोग बस यही नीड है, डिमांड करें कि हाँ हमें इंडिया में नहीं आना, इंडिया में ऐसा नहीं कि मुझे सीट चाहिए इंडिया में पढ़ना है। भाई हाँ, मैं FMG फॉरन स्टूडेंट हूँ, ओके, एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे हाँ बाहर पढ़ना है, मुझे ट्रांसफर लाव कर दो, सीधी सी बात है। हो सकता है सीट ना हो मैम, सीट्स हैं,
रशिया खुद कह रहा है कि हाँ हमारे पास सीट है, अदर इवन बहुत सारे कंट्रीज कह रहे हैं कि हमारे पास सीट्स हैं। आप न्यूज़ देखिए ना, आई थिंक पिछले साल सितंबर में भी रशिया के कुछ अथॉरिटीज आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पर सीट्स, आप जो भी यूक्रेन के छात्र हैं वो रशिया हैं, वहाँ सीट्स है। ऐसा कुछ नहीं, मैम सीट्स हैं, सीट सब जगह सभी जगह हैं, बस वो इंडियन गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम ट्रांसफ़र लेकर किसी सेफ कंट्री में जाएं और अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू करें। साफ तौर पर यह है कि सीट है, ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो नहीं अलाउ कर रही है इनको जाने, ट्रांसफ़र के लिए सरकार नहीं भेज रही। तो साफ तौर पर सवाल यही है कि इनके जीवन तो बचा लिए लेकिन भविष्य क्या, क्या ये आने वाले समय के एक होनहार डॉक्टर थे, लेकिन अभी जो है इन्हीं का भविष्य जो है खतरे में जाता हुआ दिख रहा है। तो जब इनका भविष्य खतरे में जा रहा है तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, जब आने वाले समय के जो डॉक्टर अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो है देश कहाँ जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी जनहित।